अरे चिंटू बेटा ये लो 2,000 रुपए। लेकिन पापा ये किस लिए? अरे चिंटू बेटा ये तेरी मेहनत की कमाई है, क्योंकि जब से तूने व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना पड़ता है। अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा, लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2,00,000 रुपए दूंगा। ठीक है, अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2,00,000 रुपए दे दो। बे? अरे यार मैंने ही तुम्हें बे बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे? अरे मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, इस शातिर ने तो मुझे ही लूट लिया। मेम साहब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। ये लो 50 रुपए। ए मेम साहब ई का दे रही हो? 50 रुपए कम नहीं होते, चुपचाप रख लो। पैसे तुम रख लेंगे पर कल से अपने पति को इधर ही भेज देना भीख मांगने के लिए। मेरा पति क्यों भीख मांगेगा? इतनी महंगाई में तू जो बड़ी दानवीर बनी घूम रही है ना, जल्दी तेरे पति की भी भीख मांगने की नौबत आने वाली है। सुनो। का है? इस सर्वे से मेरे का खा खाओ? जहर खात है। तो से मतलब? हमसे कोनो मतलब नहीं, जोन खाए के खाओ लेकिन ब्रश करके खाओ, नहीं तो बेलन मार के दांत तोड़ दे। सुना हो? का है? सब्जी का बनाई। काल पत्ता गोभी लाए रहे वही बनाओ ना। वो तो एकदम बेकार रही, हम फेंक दिए। ओके का बात कर रहा था वो, हम तो छाट के एकदम बढ़िया वाली पत्ता गोभी लाए रहे। का छाट के लाए हैं? छिलकवे छिलकवा रहा फूल। ओके हम छिलते गए, अंदर से कुछ निकल भी नहीं किया, हम उठा के फेंक दिए। बहन मैं 2 साल तुम्हारे पड़ोस में रह रही हूँ लेकिन आज तक तुम्हारे पति को नहीं देखा। कैसे दिखते हैं तुम्हारे पति? अरे वो तो सीमा पे गए हैं। ये तो बड़े गर्व की बात है, तुम्हारे पति फौजी हैं। अरे बहन तुम समझी नहीं, सीमा मेरे खड़ू सास का नाम है, मेरे पति एकदम उसी पर गए हैं। बाबा जी राम राम। राम राम वत्स राम राम। बाबा जी दाहिने हाथ में खुजलाहट है। वत्स लक्ष्मी आने वाली है। बाबा जी दाहिने पैर में भी खुजलाहट है। वत्स यात्रा का योग बन रहा है। बाबा जी पेट में भी खुजलाहट है। फिर तो उत्तम भोज्य की प्राप्ति होगी। बाबा जी गर्दन में भी खुजलाहट है। दूर हट जा कमीने, तुझे तो खुजली की बीमारी है। प्या चाचा सुने हैं कि मुखिया जी के पापा मर गया है? हाँ लहसुन बेटा। अरे बहुत डर लग रहा है प्या चाचा। तो काहे के लिए डर रहा है? छिलका उतार के हमको कूच देता है। हमको तो चाकू से पहले तो भुजरी भुजरी काट देगा और तेल में धके फ्राई करता है और स्वाद लेके सब खाता है। मुली भैया ये बताओ तुमको खाने से मुंह से बदबू इतना क्यों देता है? अरे तो तुम कौन सा दूध के धोए हुए हो? तू भी तो आँख से आंसू नाक से पोटा निकाल देता है, बिन मौसम का सर्दी हो जाता है। करता। क्या हाल है प्याज भैया? ऐ बोला नहीं हमसे, उठा के पटक देंगे पूछ सिंह फूट जाएगा। क्या है टमाटर? पिछले बार हमको धमकी दे रहा था 300 रुपए का, 80 रुपए किलो है 80 रुपए। और सुनो तुम दोनों का लाइसेंस कैंसिल, आज के बाद दिखना नहीं हमारे सामने। डार्लिंग अगर दो लोग लड़ाई कर रहा है तो आपका क्या फर्ज बनता है? अरे जाने एकदम आसान है, नीचे बैठ जाओ ताकि पीछे वाला को भी दिक्कत